नमस्कार, मैं हूं शिल्पी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के भीतर इतनी ज़्यादा धक्का मुक्की चल रही है, इतनी ज़्यादा टेंशनबाजी चल रही है कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ का नाम लेने में भी दिक्कत है। समाजवादी पार्टी घर की लड़ाई के लिए बेकार बदनाम है। बीजेपी में कितनी गदरबाजी चल रही है वो देखिए। केशव प्रसाद मौर्य को ध्यान से सुनिए। वो हुआ था तो महोदय, भारतीय जनता पार्टी अब किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? चुनाव लड़ेगी ये बता। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? नहीं सर। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? नहीं सर। केशव मौर्य ने योगी के नेतृत्व का नाम नहीं लिया। बड़ी चालाकी से बहुत सोच समझकर कहा, भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और उसके बाद उनके समर्थक ऐसे खुश हो गए जैसे केशव ने बहुत बड़ा किला जीत लिया हो। दोस्तों, केशव मौर्य यूपी के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, इतना दर्द कौन भूल सकता है। 2022 में मुख्यमंत्री बनने का सपना है, लेकिन इनके भाग्य का छीका अमित शाह फोड़ रहे हैं, वो सुनिए। और मैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, मोदी जी को एक और मौका दे दीजिए, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दीजिए। हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाकर आपको वापिस देंगे। सुना आपने, अमित शाह नरेंद्र मोदी को एक बार और यानी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने के लिए योगी को जिताने की अपील कर रहे हैं। मतलब ये है कि योगी के बिना मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। बीजेपी के भीतर नए ब्रांड ने जन्म लिया है। अमित शाह कह रहे हैं, जिता दीजिए, यूपी को नंबर वन राज्य बनाकर वापस देंगे। बीजेपी में मची भगमगचर के बीच शाह के इस बयान पर आप थोड़ी देर अपना पेट पकड़कर हंस सकते हैं। नंबर वन राज्य बनाकर अमित शाह वापस कर देंगे। देश भुखमरी में 101वें नंबर पर है, यूपी को नंबर वन बनाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।